हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं आंवले का अचार। इसके लिए हमने आधा केजी फ्रेश आंवला लिया था, उसको वॉश करके हमने कपड़े से पोंछ कर उसको स्टीम कर लिया है और ये स्टीम किया हुआ आंवला है। बिना पानी डाले हमने स्लो फ्लेम पर कुकर चढ़ाकर उसमें ये आंवले पका लिए हैं और देखिए इस तरह से फट गए हैं, कुछ सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से इनको हम लोग खोल लेंगे और इनके सीड रिमूव कर देंगे। लीजिए, हमने सारे आंवले के सीड रिमूव कर दिए हैं। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है, गैस को हमने ऑन कर लिया है। गैस को हम लोग स्लो फ्लेम पर ऑन करेंगे और अब पैन गरम होने लगा है। इसमें डालेंगे हम लोग 2 टेबलस्पून मेथी दाना, क्योंकि हमने आधा केजी लिया है आंवला, इसलिए 2 टेबलस्पून इसमें मेथी दाना डालेंगे। 1-2 मिनट इसको अच्छे से सेक लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड। बिना ऑयल के हम लोग बस ऐसे ही हल्का ब्राउन होगा तब तक इसको सेकेंगे। हल्का ब्राउन होने लगा है। अब हम लोग इसमें सेम क्वांटिटी में 2 चम्मच डालेंगे मस्टर्ड सीड। अब इनको भी हम लोग दोनों को मिक्स करके 3-4 मिनट स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। हल्का सा भूनना है। ये इनको हमने सेक लिया है, गैस को करेंगे बंद। मस्टर्ड सीड चटकने लगे हैं। अब इनको हम लोग एक जार में डालकर इसको पल्स मोड पर हल्का सा दानेदार इसको पीस लेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। लीजिए, इसको हमने मिक्सी के जार में डालकर इसको दानेदार पीस लिया है। अब हम लोग मेथी और मस्टर्ड सीड का जो हमने दानेदार पाउडर बना के रेडी किया है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। डालेंगे इसमें नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, तो हम यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं अचार में। हम लगभग इसमें डालेंगे 2.5 चम्मच। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग का पाउडर। तो 1 चम्मच भर के हम लोग इसमें हल्दी का पाउडर यूज़ करेंगे। इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, आप कैसा पसंद करते हैं, तीखा और कम तीखा। इसके साथ ही अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हींग। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल आप इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो यह अचार का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोटिंग होने के लिए मसाले की हमें इसमें ऑयल पहले डाल देना चाहिए। तो चलिए ऑयल डाल देते हैं इसमें। हम लोग इसमें डालेंगे सेम स्पून लेकर 4 टेबलस्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा हमें ऑयली अचार रेडी नहीं करना है, क्योंकि ये डेली में खाने वाला अचार, इसको हम स्टोर करके नहीं रखेंगे। जितना खाना है 10 दिन के लिए बना लीजिए, क्योंकि अभी तो आंवले आना शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत लंबे समय तक ये आएंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा बनाकर इसको खाते जाइए और ये जब ख़त्म हो जाए इसको दोबारा बना लीजिए। टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और ये हेल्दी बहुत होता है। स्किन भी ग्लो करती है, हेयर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं।
अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको ये टाइट कंटेनर में हमें भरकर रेडी करना है। तो लीजिए, अचार हमारा बनकर रेडी हो गया है।